गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ डिम्पल, आई एम योर जी के टीचर. ओके, टूडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर अबाउट 27 इन जी के अबाउट ह्यूमन बॉडी. ओके, वी नो दैट देर आर मैनी ऑर्गन्स इन साइड अवर बॉडी. हम ये जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ओके, फाइंड आउट हाउ मच यू नो अबाउट योर बॉडी बाई आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब ये पता करेंगे हमें अपनी बॉडी के बारे में कितना पता है इन क्वेश्चन के आंसर देखते हुए. ओके, वॉट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. कौन सा टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल होता है ह्यूमन बॉडी के, जैसे इसके अगर ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमें फीवर है या. ओके, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फेरेनहाइट. ओके, अब फेरेनहाइट का मतलब जैसे अपन सेल्सियस में करते ना यहाँ पे कि इतने डिग्री सेल्सियस था, उतने डिग्री सेल्सियस था फीवर या जो भी टेम्परेचर होता है, लेकिन ये जो डिग्री है ये है USA में यूज़ की जाती है डिग्री. ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूज़ की जाती है डिग्री एज अ सेल्सियस. ओके, वॉट सब्सटेंस गिव द रेड कलर टू अवर ब्लड. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रेड कलर देता है हमारे ब्लड को? हीमोग्लोबिन. ओके, इसी की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है. वॉट सब्सटेंस गिव्स द कलर टू योर स्किन. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आपकी स्किन को कलर देता है? जैसे किसी का कलर डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, जो भी है, ठीक है. तो वो जो कलर होता है वो बॉडी में किसकी वजह से आता है? मेलानिन की वजह से आता है. इसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, और मेलानिन का प्रोडक्शन अगर कम है तो उसकी स्किन लाइट रहेगी. ओके, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. कौन सी बोन है जो सबसे लंबी है ह्यूमन बॉडी के अंदर? फीमर. ओके, अब ये आपको, ये जो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखवा रखे हैं ये आपको आंसर पीछे से नहीं मिलेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं तो आपको भी लिखने हैं ताकि आपको पता रहे कि एफ यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, एफ का फुल फॉर्म क्या होता है. फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन है, लेकिन कहाँ लोकेटेड होती है ये मैंने आगे लिखाया है. फ्रॉम द हिप डाउन टू अराउंड द नी एरिया. हिप से लेकर के और नी एरिया तक की जो अपनी बोन होती है उसको हम बोलते हैं फीमर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर. ओके, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज़ अफेक्टेड. अगर कोई पर्सन है वो जॉन्डिस एक डिजीज़ है, अगर उससे सफ़र कर रहा है तो उसकी कौन सी बॉडी अफेक्टेड है? लीवर अफेक्टेड है. ओके, लीवर अगर अफेक्ट होता है तभी हमें जॉन्डिस होता है. वॉट इज़ द नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है? कितनी होती है? 206 होती है. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. ऐसी कौन सा विटामिन है जिसके अगर अपन पूरी अगर उसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है. नाइट ब्लाइंडनेस होता है रात को नहीं दिखना. ओके, विटामिन ए. अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो रात को हमें दिखना बंद हो जाता है. ओके, विच ऑर्गन हेल्प्स टू सर्कुलेट द ब्लड इन अवर बॉडी. ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है? कौन सा है? हार्ट है. ओके, विच वैक्सीनेशन इज यूज अगेंस्ट ट्यूबरिकल कॉजेज. कौन सी वैक्सीनेशन है जो यूज़ की जाती है ट्यूबरिकल कॉज एक डिजीज है उसके अगेंस्ट, उसको ठीक करने के लिए? कौन सी वैक्सीन है? BCG. ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैक्सिल कैलेमाइड ग्यूरिन. ओके, आपको ये पूरा लिखना है, सिर्फ ये आंसर नहीं लिखोगे, आप ब्रैकेट वाला भी लिखोगे. वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? कितना होता है? अबाउट 70% अपनी बॉडी वाटर से बनी हुई होती है, इसलिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. पानी हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि अपना 70% जो बॉडी है वो किससे परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है बॉडी में? वाटर का है. ओके, विच विटामिन डज अवर स्किन प्रोड्यूस इन द सनलाइट. कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है हमारी डज अवर स्किन प्रोड्यूस, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है वो विटामिन अगर हम सनलाइट में बैठे हैं तो? कौन सा है विटामिन? विटामिन डी. ओके, वॉट इज़ द चीफ सब्सटेंस विच अवर बोन्स आर मेड ऑफ. अपनी जो बोन्स हैं वो कौन सा एक मेन सब्सटेंस है जिससे बनी हुई है? वो कौन सा है? कैल्शियम. ओके, इसलिए दूध पीने से बोलते हैं ना बोन्स स्ट्रांग होती है, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम से अपनी बोन्स बनी होती है. ओके, तो उससे उसको पावर मिलती है. ओके, सो आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स. ओके, डू दिस इन योर नोटबुक विद दिस ब्रैकेट ऑल्सो. ओके, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड देन डू दिस इन योर नोटबुक.